our youth come. और वो लोग क्या करते बताएं? हम लोगों का यूथ के बुलाते, चलो हम लोगों के साथ ये डीजे में चलो, ये नाइट क्लब में चलो, यहाँ में चलो. But they don't know. Our children already they went to DJ. Now they are in the Jesus. पर उनको ये पता नहीं है कि हमारे यूथ पहले वो डीजे जाता था, अभी डीजे में नहीं, अभी यीशु में जा रहा है. यीशु में हमेशा के आ गया. Hallelujah. Hallelujah. When you go study or any place. Please, जो हम लोग यूथ से यहाँ पे जो भी लड़का लड़की है, brothers and sisters, आप अगर त्रिपुरा को, अगर अगरतला को छोड़कर, अगर आप अलग स्टेट में, अगर आप हायर स्टडी करने के लिए, अगर पढ़ाई करने के लिए अगर आप जाता है, Your friend name may be Christian. शायद से आपका दोस्त का नाम क्रिश्चियन नाम हो सकता. If you are doing wrong, लेकिन अगर गलत कर रहा, you don't have a fellowship with him. अगर भले ही उसका नाम क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन भी क्यों ना होता होगा, लेकिन अगर ये इंसान अगर कुछ गलत काम करता है, गलत चीज करता है, आपको उनके साथ दोस्ती नहीं करना है, संगति में नहीं रहना है. Many Christian they are taking wife. आपको पता है बहुत सारे इंसान नाम से मसीह है, लेकिन वो लोग शराब पीता, दारू पीता. Some churches are allowing. और अभी तक अभी क्या हो गया कि सिर्फ विश्वास ही नहीं, कुछ ऐसा कलीसिया है जिसने अपने विश्वासी को अनुमति दे दिया है कि वो लोग कलीसिया में शराब पी सकता है, नशा कर सकता है, दारू पी सकता है, इस प्रकार से कहा. But I saw same church, some good people are there, they are not taking wine. लेकिन पास्टर ने देखा कि ऐसे ये कलीसिया जिसमें ऐसा प्रचार करता है कि शराब पी सकता है, भले ही उस ऐसा कलीसिया में खराब इंसान भी है, लेकिन उनके बीच में से कोई कोई ऐसा मसीह है जो ये गलत चीज नहीं करता है, जो शराब के नशा में नहीं जाता. Hallelujah. Hallelujah. Those who are really born again, they won't run behind the wine. They will run behind the Holy Spirit. जो लोग सच में परमेश्वर से नया जन्म पाया है, वो लोग कभी शराब या दारू के पीछे नहीं भागेगा, पर वो लोग हमेशा यीशु के पीछे, वचन के पीछे ये इंसान लोग चले. Hallelujah. Hallelujah. I said people are understanding. पीछे के लोग आपको समझ में आ रहे हैं पीछे में. Your friend may be Christian. शायद से आपका दोस्त लोग क्रिश्चियन होता हो. If they are in the nightclub. लेकिन नाम से क्रिश्चियन है, लेकिन अगर रात के समय में अगर वो लोग नाइट क्लब में जाता, If you have to take a wine, अगर वो लोग अगर शराब पीते, दारू पीता, Today you need to make a disconnect. आज आपको ऐसे दोस्तों के साथ आपको अलविदा करना, आपको दोस्ती नहीं करना. You can pray for them. आप उनके लिए प्रार्थना कर सकता है. You need to try them to bring to Christ. आपको कोशिश करना है कि उन लोगों का मसीह में लेकर आए. Are you here today? क्या जब यहाँ पर हो? Hallelujah. Hallelujah. When I was a pastor in Kerala. जब पास्टर केरला में, जब वो एक पास्टर था एक चर्च में. In our church one new believer came. तो पास्टर के कलीसिया में क्या होता है कि एक नया विश्वासी आता है. He only 3 months. और ये विश्वासी इतना नहीं था, सिर्फ 3 महीना, वो 3 महीने ही हुआ था क्रिश्चियन बनते हुए. Then I heard somebody said to me, he is BD, you know, smoking BD. तब किसी ने पास्टर को बताया कि पास्टर ये विश्वासी जो 3 महीना पुराना है अभी, ये बीड़ी पी रहा है, मतलब एक सिगरेट की तरह होता है, बोल सकते सस्ता नशा, बोल सकते सस्ता मतलब सिगरेट ही है, थोड़ा चीप वाला, उसको वो पी रहा है. Then I called him. तो पास्टर ने उसको बुलाया. Then I asked why you are taking बीड़ी. तो पास्टर पूछा, अरे भाई तू क्यों ये बीड़ी पी है, तू क्यों ये गलत चीज कर रहा है. Then he said to me. तब जाकर ये 3 महीना पुराना विश्वासी कहता है. He asked me one of our church elder. उनका कितना साल हो गया मसीह में आते हुए. तो बहुत ही मैच्योर इंसान है, 6 साल हो गया मसीह जिंदगी जीने वाला, बहुत अच्छा क्रिश्चियन है. Then this brother, sir, फिर जाके ये भाई जो 3 महीना पुराना, ये आकर पास्टर को कहते I saw he taking cigarettes. कहता है पास्टर भले ये 6 महीना चर्च आता होगा, 6 साल ये कलीसिया आया होगा, लेकिन मैंने उसको रास्ता पर सिगरेट पीते हुए मैंने देखा. If he can take a cigarette, I can take a beer. अगर पास्टर अगर 6 साल का विश्वास है, अगर सिगरेट पी सकता है, अरे हम तो 1 साल भी नहीं हुआ ना, सिर्फ 3 महीना है, हम क्यों नहीं पिएगा, हम बीड़ी मैं बीड़ी पीऊंगा, इस प्रकार से कहने. I shouted to them. उस समय पास्टर उस भाई को पास्टर गाली देने लगा. In church. कहा कि अरे कलीसिया में बोलने लगा. How many people are worshiping God? कलीसिया में कितने लोग परमेश्वर का जीवित खुदा का आराधना कर रहा है. Why you are not following them? लेकिन क्यों आप ऐसे इंसान के पीछे नहीं चल रहा? You are following wrong people. लेकिन आप गलत एग्जांपल को ले रहा है, गलत इंसानों के पीछे चल रहा है. Are you here today? क्या जब यहाँ में हो? Hallelujah. Hallelujah. Surround us. आपका पूरा जो बीच में जो भी है, चारों तरफ में good people are there. अच्छा इंसान आपके सामने में बैठा हुआ है.
लेकिन हमारा आंख अच्छा जो अच्छा इंसानों के ऊपर नहीं चलता है। We are looking, लेकिन हम लोग देखता है। In our church, somebody wear a small cloth are looking. Tomorrow you will wear a small cloth. आपका कलीसिया में कोई एक बहन छोटा सा कपड़ा पहन कर आ गया, आप उसे हाँ ये पहन सकते हैं, मैं भी कल छोटा सा कपड़ा पहन कर आऊंगा, ये हमारे दिमाग में चलता। Hallelujah. Hallelujah. In your church, somebody prophesy. You are thinking, I also want to prophesy. Hallelujah.